और इस बीच एक बड़ी खबर, हाथरस भगदड़ पर बाबा सूरजपाल का बयान आया है। हमें एसआईटी पर पूरा भरोसा है, सूरजपाल की तरफ से कहा गया, जो आया है उसे एक दिन जाना ही है, ये सूरजपाल की तरफ से कहा गया। सत्संग में किसी ने साजिश रची है और होनी को कौन टाल सकता है। हाथरस हादसे में 123 लोगों की मौत हुई थी, हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच हाथरस भगदड़ पर बाबा सूरजपाल का ये बयान कि एसआईटी पर हमें भरोसा है, लेकिन उन्होंने कहा जो आया है उसे एक दिन जाना ही होगा। सत्संग में किसी ने साजिश रची और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि होनी को कौन टाल सकता है। 2 जुलाई की घटना के बाद से बहुत ही अवसाद हैं, अवसाद से ग्रसित हैं, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, जो आया है उसे एक दिन तो जाना भी है, भले कोई आगे पीछे हो। हमारे वकील डॉक्टर एपी सिंह जी एवं हमें भी जैसा प्रत्यक्षदर्शियों ने विषैला स्प्रे के बारे में बताया, यह पूर्णतया सत्य है कि कोई न कोई साजिश जरूर हुई है।